हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गोयल फैमिली फूड एंड व्लॉग। गाइस, अभी वक्त है सुबह का। वैसे तो आज बेटी की छुट्टी थी और हस्बैंड की नाइट ड्यूटी, लेकिन हस्बैंड ने ड्यूटी से ही हमें फोन कर दिया है कि तुम लोग आज तैयार रहो, आज हमने गांव जाना है। गाइस, जो लोग मेरा व्लॉग देखते रहते हैं उनको तो पता है, और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, हमारा गाँव है मोरनी हिल्स, जो हरियाणा का एक लौता हिल स्टेशन है। वहीं पे है हमारी कुलदेवी और अभी चल रहे हैं नवरात्रे, तो इसीलिए हमें वहाँ पर मत्था टेकने जाना है। मेरे पास आज टाइम बहुत कम है, फटाफट से मैं अपने सूट को प्रेस कर लेती हूँ, सबसे बोरिंग काम, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और आज अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है और मैं किसी और काम को हाथ भी नहीं पा सकती, का मतलब कुछ भी और काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आज फटाफट से मैं अपना सूट प्रेस कर लेती हूँ और नहा धो के हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि उसके बाद मुझे प्रसाद भी तैयार करना है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और बेटा नहा रहा है। अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ प्रसाद तैयार, यानी हलवा। अपनी कुलदेवी पे मत्था टेकने के लिए हम घर से ही कढ़ाई करके लेकर जाते हैं। चलिए, हस्बैंड भी ड्यूटी से घर आ चुके हैं और मेरा प्रसाद भी तैयार हो चुका है, जल्दी से निकल लेते हैं, हम पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हैं। गाइस, क्योंकि हमारे घर से मोरनी हिल्स कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर है, तो हमारे घर से वहां तक पहुंचने में लग जाएगा पूरा एक घंटा। गाइस, जिन लोगों को मोरनी हिल्स के बारे में पता है उनको तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूं कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। और अगर आप पंचकूला, चंडीगढ़, कालका, पिंजोर या यमुनानगर, इधर साइड अम्बाला मतलब इधर साइड रहते हैं, तो आप बहुत आसानी से मोरनी घूमने आ सकते हैं। फिलहाल पूरे एक घंटे का सफर तय करके हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव, और ये है हमारा घर। गाइस, आज हमने मत्था सूचे मुंह टेकना है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी खाएंगे नहीं। चलिए, फिलहाल आज हमारे साथ मेरी देवरानी और उसका बेटा भी जा रहा है, तो इसीलिए हम पहले घर आए थे, क्योंकि हमारी यहाँ पर दुकानें भी हैं, तो बाकी सब लोग अभी दुकान पर हैं। तो चलिए, अब देरी कैसी, फटाफट से निकल लेते हैं माता रानी के मंदिर के लिए। गाइस, वैसे तो इस मौसम में यहाँ के पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस बार बारिशें हुई ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी हरियाली बहुत कम है। गाइस, हम माता रानी के स्थान पर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे पैदल का रास्ता है, तो बस गाड़ी यहीं पार्क करके हम आगे जाएंगे पैदल। तो चलो चलते हैं। और गाइस, जो मेरे बेटे ने कपड़े डाले हुए हैं, ये वही कपड़े हैं जो मैं डीमार्ट से लाई थी, और इसका मैंने व्लॉग भी डाला था। गाइस, क्योंकि हमारी कुलदेवी का मंदिर, यानी इनको बोला जाता है समलोठा माता, तो इनका मंदिर मोरनी की टॉप में है, तो इसीलिए सारा मोरनी यहाँ से क्लियर देखा जा सकता है। गाइस, मंदिर टॉप में होने के कारण यहाँ की चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी है, और मेरा और मेरे हस्बैंड का ओवरवेट होने के कारण हमें ये चढ़ाई भी बहुत ज्यादा टफ लग रही है। और गाइस, दोनों बच्चे पूरे रास्ते मेरा मजाक उड़ाते जा रहे हैं कि ताई से चढ़ा नहीं जा रहा, यहाँ उल्टा हो रहा है, मुझे बच्चों को संभालना चाहिए और बच्चे मुझे संभाल रहे हैं। मेरा चुटकू सा भतीजा कह रहा था कि ताई कहीं बैक गियर मत लगा देना, सीधे मोरनी पहुंच जाओगे आप। फाइनली चढ़ाई पार कर ली गई है और हम पहुंच गए हैं माता के दरबार। क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ छोटा मोटा मेला भी लगा हुआ है। चलिए, मंदिर में हम पहुंच गए हैं, और गाइस, इनको शमलाशन माता भी कहा जाता है, और इन माता रानी की यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता है, यहाँ पर दूर दूर से भी लोग मत्था टेकने आया करते हैं। हम लाइन में लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। चलिए, आपको भी माता रानी के दर्शन करवाते हैं। गाइस, यहाँ शमलाशन माता पिंडी रूप में विराजमान है, ये सब लोग एक बार मिलकर बोल दीजिए जय माता दी। गाइस, दर्शन हमने कर लिए थे, और यहाँ बाहर ये दो लोग थे जो बहुत सुंदर गा रहे थे, आप भी सुनिए। उसके बाद हम सब ने आनंद लिया भंडारे का, और हमारी तरह भंडारे के कढ़ी चावल किस किस को पसंद है प्लीज कमेंट कीजिएगा।
माता रानी के दर्शन के बाद आत्मा की तृप्ति और भंडारा खाने के बाद पेट की तृप्ति करने के बाद हम लोग वापस घर के लिए चल दिए थे। बच्चे तो जिद पर अड़े थे हमें कुछ दिलाओ, लेकिन वहाँ पर कुछ भी दिलाने लायक नहीं था। फाइनली हम पहुँच गए थे घर और घर आते ही हमें दोबारा भूख लग गई थी। हम रास्ते में से लेकर आए थे मोमोज, लेकिन ये देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा कि मोमोज आलू के पराठे को चिढ़ा रहे हैं। देखा, मेरे आगे तेरी कोई वैल्यू नहीं है। गाइस, वैसे तो जब भी काम आओ यानी अपने घर आओ तो वापस जाने का यहाँ से मन ही नहीं करता, लेकिन आज हमें वापस जाना ही था। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि हमें वापस क्यों जाना था। और अभी भी बाकी सब लोग घर के दुकान पर ही हैं। फिलहाल हम लोग इंजॉय करते हैं मोमोज, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। मोमोज को फुल एंजॉय करके हम लोग वापसी घर के लिए निकल पड़े हैं। मनन यहाँ की मनमोहक हवाओं का आनंद ले रहा है। और गाइस, पहाड़ों पे भी हमारी सुपर कार ऐसे चढ़ जाती है कि मेरा भी मन करता है गाने का, लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए मैं इंग्लिश में गा लेती हूँ, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है कि मैं हिंदी गाने को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती हूँ। Our car goes jumping, our car goes jumping, our car goes jumping, our car goes jumping। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। मतलब व्हाट इज दिस दीदी? दीदी कैसा लगा मेरा मजाक? आप भी लीजिए इन रास्तों का आनंद। और गाइज, मैं ना अपने हस्बैंड से पूरे रास्ते ये कहती आ रही थी कि आज मैं यहाँ से कड़ी पत्ता लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमारे इस एरिया में कड़ी पत्ता बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, मुझे पता है यहाँ कड़ी पत्ता इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी मुझे निकालना है। तो हम एक जगह रुके जहाँ मैं पूरी मुशक्कत कर रही हूँ कड़ी पत्ते के पौधे को निकालने की। हस्बैंड कह रहे थे आज अगर तूने यहाँ से कड़ी पत्ता निकाल के दिखा दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वाकई में बात वही हुई कि मेरे से कड़ी पत्ता नहीं निकला और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। फिलहाल वहाँ से कड़ी पत्ते के पौधे से मैंने कुछ टहनियाँ तोड़ ली कि घर में कुछ तो काम आएंगी ही। पर देखो, मेरे बेटे को हर जगह शरारतें सूझती हैं। हाँ, ये कर लो पहले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस, वैसे तो कड़ी पत्ते के पीछे मेरी अभी ताजी ताजी बेइज्जती हुई है, लेकिन मेरे अंदर की उमंग अभी भी बची हुई है कि मुझे कड़ी पत्ता तो लेकर जाना ही है। पर वापसी आते हुए रास्ते में पड़ती है वन विभाग वालों की नर्सरी। वो हर किसी को तो पौधा नहीं देते, लेकिन हम हर बार यहाँ से जाते हुए पौधा जरूर लेकर जाते हैं। उनको पता है ये निकम्मे हैं, ये यहाँ से पौधा लिए बिना नहीं मानेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से जिद करी कि रोको यहाँ पर गाड़ी, मुझे कड़ी पत्ते का पौधा जरूर लेकर जाना ही है। कड़ी पत्ते का पौधा तो मैंने ले लिया था, साथ में मैंने एक तुलसी का पौधा भी लिया और कॉम्प्लीमेंट्री एक स्नेक प्लांट भी मिल गया हमें वहाँ से, और इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। फिलहाल अपने पौधे उठा के हम पहुँच गए थे सीधे घर, और घर आने के बाद हमने कुछ देर किया आराम। लेकिन आराम हम बहुत ज्यादा देर नहीं कर पाए, क्योंकि आज शाम को ही हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में। इस बर्थडे पार्टी के साथ साथ उन लोगों ने जागरण भी रखवा रखा था, और यही कारण था कि आज हम अपने घर में ज्यादा नहीं रुक पाए। पापा सो रहे हैं, उस कमरे में उठाया। गाइस, क्योंकि हस्बैंड रात की ड्यूटी करके सुबह घर आए थे तो उनको तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया था, तो वो आते ही सो गए थे। लेकिन मुझे रात के जागरण में पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम करना था, यानी प्रेस करने थे सबके कपड़े दोबारा। मैं लग गई थी प्रेस में, फटाफट से हो गए थे रेडी कि यहाँ जागरण में जाने के लिए भी हम लेट ही हो गए थे। चलिए फटाफट से पहले निकल जाते हैं, फिर मैं आगे की बात बताती हूँ आपको। चलिए, जागरण में तो हम पहुंच गए थे ये सोचकर कि हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, लेकिन वहां जाके देखा तो अभी तैयारियां ही चल रही थी, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। हमने सोचा चलो इतनी देर पेट पूजा कर ली जाए। गाइस, कौन कौन मेरी तरह खाना खाते हुए कैमरे को फेस नहीं कर सकता। खाना पीना खा के हम पहुँच गए थे दोबारा पंडाल में, और यहाँ पे आज आए हुए थे सुरेंद्र बिल्ला जी। यह एक टीवी कलाकार भी हैं और ये जोश से भरे हुए हैं, ये आते ही नचने टपने लग जाते हैं। गाइस, इनकी आवाज के तो कहने ही क्या, बहुत ज्यादा सुंदर गाते हैं ये। गाइस,
गाइस सुरेंद्र बिल्ला जी ने तो आते ही माहौल बना दिया था, लेकिन हम जैसे कि सुबह से ही बाहर निकले हुए थे, हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे कि उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि बॉडी जवाब दे रही थी। बस हमने 2 से 2.5 घंटे इनके गाए हुए सुरीले भजनों का आनंद लिया और बस फिर हम अपने घर के लिए निकल पड़े। गाइज ये था हमारा आज का पूरा दिन। और गाइज एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।